माता रानी की अपार महिमा के बारे में तो आप सभी ने सुना भी होगा और मानते भी होंगे, मगर क्या आपको पता है माता के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जिसका नाम तो झंडे वाला न, परंतु वहाँ पे कोई झंडे नहीं चढ़ाता, मगर ऐसा क्यों, आइए पता लगाते हैं। साथ ही आपको दिखाऊंगे यहाँ के अनोखे प्रसाद और लड्डू कैसे तैयार होते हैं, जिसे खा के ना भक्त अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आए दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध श्री बद्री भक्त झंडे वाले मंदिर में और यहाँ पे तैयार होने जा रहे हैं इनके प्रसादम लड्डू, जो बहुत ही नसीबों वाले भक्त को खाने को मिलते हैं, क्योंकि ये लड्डू अगर आपने एक बार खा लिया ना, आपको कोई और लड्डू पसंद ही नहीं आ सकते। जिसके लिए सबसे पहले लिया गया गोली का बुरादा और ये आ गया भाई मिल्क पाउडर। कोई फैंसी चीजें नहीं, वही सारी बेसिक चीजों से ये लड्डू तैयार करे जाते हैं, मगर इनका स्वाद ऐसा होता है ना, आप इसे एक लड्डू भी खा लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपको जीवन में अमृत नसीब हो गया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करा जाएगा, उसके बाद इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद भी भैया जी ने दोबारा से इन सारी चीजों को मिक्स करा। उसके बाद बारी आ गई भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट की। और बात करी जाए इस मंदिर की अपार महिमा की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बद्रीदास नाम का माँ भगवती का भक्त हुआ करता था, जिसे अनुभूति हुई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर हुआ करता था। उसके बाद उसने खुदाई कराई, उस खुदाई में उसे मिला झंडा, जिस झंडे के नाम से यहाँ पे झंडे वाला नाम पड़ा। फिर खुदाई बहुत ही जोरों शोरों से कराई गई, उस खुदाई में उसे मिली मूर्ति, मगर वो मूर्ति जो थी ना वो खंडित थी, उसमें एक हाथ नहीं था। उस हाथ को चांदी के हाथ से रिप्लेस करा गया और ये मूर्ति आज भी इसी मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई है, जो दर्शाती है भक्तों के लिए माता के अपार प्रेम को। मैं आपको बता दूं ये जो मंदिर है ना, ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है दिल्ली के, और कहा जाता है अगर आपने इस मंदिर के दर्शन कर लिए ना, आपने सारे तीर्थ के दर्शन कर लिए। तो ड्राई फ्रूट के बाद इसमें मगज के बीज और साथ ही साथ सफेद तिल डाले गए, जो आपको कहीं और लड्डुओं में डलते हुए नहीं दिखेंगे। यही तो खासियत है इस मंदिर की, हर चीज बड़े प्रेम भाव से और बिल्कुल प्रसाद के रूप में ही बनाई जाती है। और इस लड्डू को आप एक बार खा लोगे ना, आपको जो अनुभूति होती है वो कहीं और के किसी भी मंदिर के प्रसाद में या फिर लंगर चखने में भी वो अनुभूति नहीं मिलेगी। तो अब ड्राई फ्रूट और गोले के इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करा गया और दूसरी ओर इस मशीन में डाला जा रहा है पानी। पानी डालने के बाद बारी आ गई चीनी की, तो इसको अच्छे से गर्म करा गया। उसके बाद इसमें डाल दी गई ढेर सारी चीनी। चीनी और पानी को मिक्स करा जाएगा और साथ में डाली जाएगी यहाँ पे गोंद, ताकि लड्डू का जो स्वाद है ना वो सबसे बढ़िया निकल के, और हर भक्त जब वो लड्डू खाए वो प्रसन्नता से झूम उठे। कहने को तो ये लड्डू रोजाना बनाए जाते हैं मंदिर में, लाखों भक्त जो आते हैं माता से मिलने, मगर ये लड्डू जो होते हैं ना हर भक्त के नसीब में नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाउडर है वो हमारा मिक्सचर वाला वो बन के तैयार है, दूसरी ओर जो है हमारा गोंद का मिश्रण भी बन के तैयार है। तो अब इन दोनों चीजों को मिलाया जाएगा और बढ़िया से लड्डू बना के तैयार करे जाएंगे। दूसरी ओर बात करी जाए माता की अपार महिमा की, तो मैं आपको बता दूं ये तो भाई परम सत्य है, जो भी अपनी सच्ची कामना से झंडे वाली माता की मंदिर में आता है और उनसे मांगता है, वो खाली हाथ तो भाई घर जा ही नहीं सकता। माता का ये अपार प्रेम है अपने भक्तों के लिए, जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दिल से आएगा उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। तो आप भी जाइएगा सच्चे दिल से माता से कुछ मांगिएगा, क्योंकि माता हर किसी की झोली भरी देती है। तो यहाँ पे हमारे लड्डुओं का मिश्रण बनके तैयार है, जिसमें गोंद भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर दी गई है। इस सारे के सारे मिश्रण को बाहर निकाल के रखा जाएगा, थोड़ा सा ठंडा करा जाएगा, और जैसे ही मिश्रण थोड़ा ठंडा होके तैयार हो जाएगा, इसके बनाए जाएंगे छोटे छोटे बिल्कुल गोल गोल आकार के लड्डू। यहाँ पे हर चीज ना बिल्कुल ऐसे समानता से डाली जाती है, बिना नाप तोल करे, फिर भी आप देखेंगे ना इन लड्डुओं का स्वाद सबसे बढ़िया होता है। यही तो है माता की महिमा, बिना चखे इन लड्डुओं को तैयार करा जाता है। हर कोई बड़े सद्भाव से इन लड्डुओं को तैयार करता है और फिर जैसे ही माता के भोग में ये लड्डू जाते ना, उसके बाद तो भैया हर लड्डू चमत्कारी लड्डू हो जाता है। फिर हमें देख सकते हैं सारे भैया बड़े प्रेम और भक्ति भाव से लड्डुओं को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही सारे के सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, बारी आ जाएगी भाई पैकेजिंग की। तो आप इनकी अनोखी पैकेजिंग देखिए, एक एक लड्डू को डिब्बे में डाल के पैक करा जाता है, ताकि जो भक्त अपने घर ले जाना चाहे वो भी इस प्रसादम को ले जा सके। और बात करी जाए माता रानी की, तो भाई उसके लिए तो सारे ही शब्द कम पड़ जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और हाँ जय माता दी। आप भी माता के दर्शन करिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भरिए।